पक जाएंगे, बहुत महंगे होंगे। ये टिंडी है जी सर, और ये सर नेपियर है जो चारा भैंसों के लिए, लोग चारा बार बार लगाते हैं ना, ये जिंदगी में एक दफ़ा लगाना है, फिर लाइफ टाइम हर साल काटते जाना है। ये बस हर साल नहीं सर, 3 माह बाद ये ऐसे इतना इतना हो जाता है और काटते जाना है सारी जिंदगी, सारी जिंदगी के लिए कोई खर्चा नहीं, बस पानी लगाते रहना। ये भी मामू ने लगाया हुआ है, एक नाल ये है, एक एक हाफ एकड़ वो है, 5 कनाल रकबा उधर शायद दिखाऊंगा आपको करीब आके। क्या बात, वो वाल तरी पुदीने आए, वाल तरी दिखाऊंगा आपको, बहुत महंगी सेल हो रही है आजकल। कुका ये मामू का बड़ा इश्तेहार। अच्छा ये मामू का, मामू का ही प्याज लेना है दो चार वाल तुरी फाड़े ना चो ओनली दो बस क्या करें, वही फ्रेश पकावे फ्रेश खावे, दो चार काफी हाँ आप शेड़, हम शेड़ देख लेंगे। क्या खुशबू है पुदीने की, पुदीना भी लेते हैं, बड़ी ठंडी खुशबू वो देखे मांगी किसी ने, इतनी महंगी सब्जी है कह रहे छोटी बात नहीं छोड़ जाओ। क्या इतने सादे लोग हैं और इतने खुले दिल के लोग हैं, अल्लाह पाक ने बड़ा हौसला दिया शहर, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि गांव वालों में ना देहाती लोगों में अल्लाह पाक ने बड़ा हौसला डाला है, सही है बड़ा हौसला डाला अल्लाह पाक का, बड़ा ही एहसान है, बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह पाक तेरा, बड़ा शुक्र है कि हम कंजूस नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह पाक का। शजेब की कॉल आई सर घर सुबह 9 बजे, अच्छा मेरी तरफ आ जाओ इकट्ठे चलते हैं। तो फिर इकट्ठे गए थे, कब आऊँ, ये करेले, ये करेले कहने लगा अभी आ जाओ, ये अभी स्टार्ट नहीं हो गए उतरने, ये अभी बल्ले ना अपने वजूद में आ रहे हैं, कवर कर रही हैं। तो ये दरमियान में क्या लगाया, ये धनिया, ये देखो सर ये एक साइड पे बैंगन, एक साइड पे टिंडी, एक साइड पे हरी मिर्च, वो मिर्च है क्यों कहते हैं तो हाईब्रिड, वो हाईब्रिड मिर्च के बूटे हैं, इन्होंने इस इतना इतना होना है, इतना इतना छतड़ी बनानी है, फिर मिर्चें लगनी है, इतनी इतनी लंबी मिर्चें जो होती हैं ना वो इस लगनी है साथ आ जाए क्या है। और ये एक साइड पे टमाटर है तो एक साइड पे हरी मिर्च है, ये देख, और ये शेड रहा करेला, देखे कैसे वल्लों ने ना कवर किया हुआ है, बीच में सब्ज मिर्च है, हरी मिर्च है, अभी ये बूटे बन रहे हैं, बनने के बाद फिर इनको हरी मिर्च लगनी है। ये करेले किसके लगे, ये मामू के, अच्छा ये शिमला है साथ, ये नीचे, ये इस तरफ है ना छोटे छोटे बूटे, ये भी इतने इतने बूटे होने, बड़े बड़े बूटे होने, फिर शिमला लगने, ये पालक है मेरे मामू लोगों के, ये सारे करेले खराब हो गए, ये खराब हो जाते हैं ना जो वो इधर फेंक देते हैं, ये सर ये शिमला लगी हुई है बीच में करेलों पे, ये बड़े बड़े बूटे हैं शिमला के, इनसे थोड़ी सी उतर रही है कम से कम, करेले तोड़ लिए, अदरवाइज आप देख के हैरान हो जाते हैं कि करेले ऐसे ही लगे हुए हैं, 20-20 शैल एक एक शेड से होते हैं टनल से, वो करेले डिगे पे नहीं लाए, खराब हो गए ना, पीले पड़ जाते हैं ना, मक्खी डंग लगाती है पीले हो जाते हैं, तो ये वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको
उतार के ना फेंक देते। ये तंबाकू है ये है तंबाकू साथ है। ये खुद के जो हुक्का है ना उसके उसमें यूज होना ये सारा। ये खुश्क हो जाएगा? ये खुश्क नहीं होगा सर। अच्छा ये इसे काट के 10 दिन जमीन में दबाना पड़ेगा। जमीन में दबाने के बाद 10 दिन फिर निकालेंगे। निकाल के फिर इसको गीले को ऐसे खबड़ बनाएंगे इनके, फिर रख देंगे ठंडी जगह पे छाँव में, सूख जाएगा तब इसे यूज़ किया जा सकता। उससे पहले नहीं। वो बीच में लीमू हो गया वो शिमला तोड़ लिए हैं और छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये इधर हो गए नीचे होकर देखेंगे देखिए कितने नज़र आ रहे हैं नीचे से देखिए। हाँ अभी छोटे बहुत छोटे, जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं ना सर तो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ये शिमला है सर, ये चारों लाइनें शिमला की है नीचे। ये छाँव में होती है ना इसलिए टनल के नीचे। ऐसे ही जैसे पट्टे नहीं होते ये देख जब सस्ती होती है ना 50 रुपए का शैल सर बहुत अच्छे है। जब 50 रुपए का शैल होती है ना तब ये भैंसों को डालते हैं। वाह ये पालक, अब ये 350 का शैल है। शैल में मैक्सिमम 14 गुटियां डालते हैं, छोटी छोटी गुटियां होती हैं पालक की, देखी शायद आपने तो वो 14 गुटियां डालते हैं। शैल 350 का सेल होता है। ये देख लें जगह कितनी काटी हुई है, तो 1.5 लाख रुपये इन्होंने कमा लिया। वाह ये जगह काट ली है, अब ये दोबारा हो रही है तो दोबारा इंशाल्लाह फिर अल्लाह खैर करे रेट ऐसे ही रहा तो फिर इतने पैसे हो जाएंगे।